वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग का स्वागत है एक शानदार से दिन में। और आज के दिन हम लोग स्किबिडी टॉयलेट का ऑसम माइनक्राफ्ट एडिशन देखने वाले हैं। ये बहुत ज्यादा मस्त होगा। वैसे काश मेरी लाइफ भी मस्त होती। हम लोग फटाफट से इस माइनक्राफ्ट एडिशन को एंजॉय करते हैं। ऑल राइट दोस्तों, हमारा ये शानदार सा एनिमेशन स्टार्ट हो चुका है। ओ माई गॉड, ये क्या है दोस्तों? यार ये बहुत अजीब लग रहा देखने में, पर मस्त है। ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? ओके, अरे बाप रे, तुमने देखा ये दूसरे वाले एपिसोड में यहाँ पे क्रीपर है। हेलो क्रीपर दादा, फटना मत, चला जा भोस। ओके, ये सब इसकी बड़ी की जगह पीपीपी पप्पू पप्पू बोल रहे हैं। हाँ, बेसिकली मेरे को समझ नहीं आ रहा ये क्या बोल रहे, पर मस्त है ये। ओके आए, ये मेरा दोस्त क्या कर रहा है इस वीडियो में? ओके, ये अजीब है पर बहुत मस्त है। ओके, तो ये रहा एक शानदार सा शहर। और यहाँ पे ओके, ये लार्ज स्किबिडी है, लार्ज विलेजर स्किबिडी। एक सेकेंड, तुम लोग पीछे लेफ्ट साइड में देखो, वहां पे जो सुअर है, बेसिकली मेरा दोस्त वो भी वाइब कर रहा है। ये बहुत मस्त है। ओके, अभी तक आपको मजा आया हो तो फटाफट से लाइक कर दो। चलो आगे देखते हैं। ओके, ये रहा डीजे स्किबिडी। क्या मतलब, मैं वाहियात डांस कर रहा हूँ? यार मेरा डांस मस्त है, पर कोई नहीं, हम लोग इस पे फोकस करते हैं। ओके, स्टीव सारे मर चुके थे वहां पे। ऑल राइट, तो मेरे ख्याल से इस वाले एनिमेशन में कैमरामैन की जगह स्टीव है और स्किबिडी की जगह विलेजर है। ये बहुत ऑसम है। ओके, तो ये रहा रेस्टोरेंट का सीन और यहाँ पे छोटा स्किबिडी आ चुका है। ओ, सारे जो स्टीव थे वो भी एक स्किबिडी में कन्वर्ट हो चुके हैं। ये रहा लार्ज स्किबिडी, क्या बात है, अभी तक बॉस स्किबिडी हमें नहीं दिखा है। ऑल राइट, ये सारे एपिसोड बहुत ही ऑसम है। तो ये रहा एक और स्किबिडी। ऑल राइट, हमने पहली बार उन्हें फ्लश किया है। हाँ नाइस, काश दोस्तों मेरे दुख भी फ्लश होके खत्म हो जाते। पर कोई नहीं, हम लोग दुख भरी दास्ता किसी और दिन देखेंगे। ओ लार्ज स्किबिडी, या फिर ऐसा तो नहीं वो बॉस स्किबिडी है? आई डोंट नो दोस्तों, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। आए आए, ये क्या है यहाँ पे? ये मुर्गी क्या कर रही है? जल्दी फटाफट से इसकी बिरयानी बनाओ। ओ ओ ओ, दीवाल पे यहाँ पे स्पाइडर चिपका है। चल मकड़ी, फटाफट से मकड़ी मैन बन। स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन, तूने चुराया मेरे दिल का चैन। ओके, यहाँ पे विलेजर स्किबिडी आ गया। नाइस। ओके, मेरे ख्याल से ये एक शानदार से चर्च का सीन है। ये रहा होली स्किबिडी, एकदम पवित्र स्किबिडी। इतना स्लो मोशन में है, मेरी लाइफ भी बहुत ही स्लो मोशन में प्रोग्रेस कर रही है। ओके, यहाँ पे स्टीव आ चुका है, अब हम लोग उसे फ्लश करेंगे। नाइस। ओ हो हो, ये मस्त है गुरु, मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये इतना गजब होगा। मीनवाइल थ्रू आउट द स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी, इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या है? मेरे ख्याल से हम लोग अब शहर का सीन देखेंगे। हमने उसे थप्पड़ मारा और नाइस, फटाफट से लाइक करो अभी तक ना किया हो तो। मेरे ख्याल से चिकन जो है बॉस कैमरामैन है। हाँ यार, ये तो अजीब है, और ये शायद से बॉस स्किबिडी है। ओके, शायद मैंने गलत समझा, चिकन पता नहीं क्या है दोस्तों। ओ ओ ओ, हम लोग जो है सीक्रेट अटैक की प्लानिंग कर रहे हैं, यहाँ पे मीटिंग चल रहा है। ओके आए, वो क्या था दोस्तों?
ये क्या है, इसका नाम क्या होता है, मेरे को याद नहीं आ रहा। आपको पता है तो नीचे कमेंट करके बताना। ओके, इंडर ड्रैगन, हेलो ब्रो। क्या धमाका था, नाइस। और उन पे कुछ भी असर नहीं हुआ है। ओ सिट। ओके, तो ये रहा बॉस स्किबड़ी। मस्त है, मेरा तो अच्छा खासा रिवीजन भी हो गया। ये रहा आयरन गोलम। आई ये कितना गंदा है दोस्तों, ये बहुत बदसूरत है, पर मेरे दोस्त से कम। आई किसने मार दिया, ये कौन है? ओके, ये कौन है? ये रहा स्पाइडर स्किबड़ी। ये कौन है दोस्तों? ब्रो शकल दिखाओ। ये कौन है ब्रो, नाम बताओ अपना, फटाफट से नाम बता। उपेंद्र जोगी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग मस्त शो देख रहे हैं। या लेनले, या। ओके, तो ये शायद से कैमरा मैन है क्या, हो सकता है, इसमें कुछ ज्यादा ही कंफ्यूजन है। हमने जॉम्बी स्किबड़ी को मार दिया। वो हंस रहा है नल्ला। अबे नल्ले थोड़ा अच्छा हंसो, मजा नहीं आ रहा तुम्हारी हंसी में। ओके, मेरे ख्याल से ये दोस्तों कैमरामैन है जो कि बॉस है। यो, और वो रहा बॉस स्किबड़ी। ओके, क्या बात है, ये तो अटैक हो रहा है टीएनटी से। ओके, वो नल्ला भाग गया, बेसिकली उसकी फट गई। ऑल राइट दोस्तों, इसी के साथ स्किबड़ी टॉयलेट का 65 एपिसोड स्टार्ट हो चुका है। ओ माय गॉड, ये माइनक्राफ्ट एनिमेशन बहुत मस्त है। हमारे सामने पुलिस स्किबड़ी था। ओके, ये वाला एपिसोड मेरा आज तक का सबसे फेवरेट है। ओके, तो हम लोग इसे माइनक्राफ्ट वाले रूप में देखेंगे। ये रहा बुढ़ा जो की सबके बीच में बहुत बोलता है। हाँ, वो बहुत बोलता है। ओके, ये रहा जी मैन जिसे हम लोग बॉस स्किबड़ी भी कहते हैं। वाओ, यहाँ पे दोनों बॉस आ चुके हैं। वाओ, यहाँ पे मस्त बैटल होने वाली है। सब जो है इसे छोड़ के भाग गए। बुढ़ा भी वहां से टाटा बोल दिया। हाँ दोस्तों, पर ये तो फेक जी मैन है, तो फिर ये सब बेसिकली एक ट्रैप है। हाँ, उसने भी मेरे को अपने इशारों पे ऐसे ही फंसाया था। ओके, बुड्ढा भी वहां से जा चुका है। जी मैन मस्त एक्टिंग कर रहा है दोस्तों, नाइस एक्टिंग है तुम्हारी। 50 रुपए कटने चाहिए दोस्तों इसकी एक्टिंग के लिए। ओके, तो इस वाले एपिसोड में कैमरा मैन जख्मी होने वाला है। हाँ, उसका इस एपिसोड में हाथ टूट जाएगा। वाओ, यहाँ पे मस्त फाइट हो रही है। ओके, तुम लोग देख सकते हो हम लोग उसे फ्लश नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, वो हम लोग इस वजह से फ्लश नहीं कर पा रहे क्योंकि ये एक फेक जी मैन है। ऑल राइट, फाइट मस्त हो रही है। ये क्या बात है, हमने उसका आर्मर तोड़ दिया। हाँ, फेल होने पे मैं भी ऐसे ही कुटाता हूँ घर पे। हाँ भाई, ये सब अटैक दोस्तों मेरे को पर्सनल लग रहा है। ओके, ओ माय गॉड, ये थोड़ा दर्दनाक है। एक बार को तो दोस्तों ऐसा लग रहा कि रियल वाले स्किबड़ी एपिसोड से बढ़िया तो ये है माइनक्राफ्ट वाला। ऑल राइट, हम लोग उसे कम्प्लीटली मार रहे हैं। नाइस, तो अब जो है हमें पता चल चुका है कि एक फेक जी मैन है। सो सैड हुआ दोस्तों, अब रॉकेट और सुसाइड स्क्वाड सब यहाँ पे आते होंगे। वैसे आपने अभी तक लाइक किया? क्या मतलब लाइक नहीं किया, फटाफट से लाइक करो। ऑल राइट, सारे बॉम्ब यहाँ पे आ रहे हैं। ओ माई गॉड, पर दोस्तों दिक्कत की कोई बात नहीं है, किसी को कोई चोट नहीं पहुंचता है, दोनों जिंदा बच जाते हैं। ऑल राइट, चिंता की कोई बात नहीं है दोस्तों। ये देखो, स्पीकर मैन को थोड़ा सा चोट लगा, पर हाँ, इस नल्ले को थोड़ा ज्यादा चोट लग गया, इसका हाथ टूट चुका है। सो सैड हुआ दोस्तों, अब ये ताली कैसे बजाएगा? वो पहले लाइक करता है और फिर ऐसे करता है।
ऑल राइट मेरे प्यारे दोस्तों, इसी के साथ एपिसोड 66 स्टार्ट चुका है। ये भी मेरा एक तरह का फेवरेट एपिसोड है, क्योंकि इसके अंदर टेस्टी करेक्टर्स हैं, कैमरा वोमैन, टीवी वोमैन और साथ ही साथ स्पीकर वोमैन भी। हाँ, तीनों टेस्टी एक साथ है, इसलिए ये भी एपिसोड बहुत मस्त है। सामने एक कैमरा हेलीकॉप्टर है। ऑल राइट, इनके आरपीजी बहुत मस्त है वैसे, ये मानना पड़ेगा। यो, हमने उसे हिप्नोटाइज कर दिया है। और ये क्या, हमें फोटो आया है। वाओ दोस्तों, इस नल्ले के पास भी आईपैड है। पर कोई नहीं, ये तो वैसे दोस्तों एक फेक स्क्रीनशॉट था, फेक फोटो था वो। ऑल राइट, यो अब इन्हें गुस्सा आ रहा है, अब ये सब हाथ से डिसम डिसम करेंगे। वाओ वाओ, नाइस बॉक्सिंग। हाँ, डोंट बॉक्सिंग अगेन। यो, हमारे सामने ये कौन नल्ला है, इसका नाम क्या है दोस्तों? मेरे ख्याल से ये सोल्जर इसकी बड़ी है। ऑल राइट, स्पीकर वो मैन यहाँ पे आ चुकी है। याक, नाइस स्पीकर वो मैन। अरे शर्म करो। ऑल राइट दोस्तों, चलो फटाफट से आगे चलते हैं। यो मैन, यहाँ पे हेलीकॉप्टर स्किबड़ी और वाओ कैमरा वो मैन भी यहाँ पे आ चुकी है। और इस नल्ले का स्वैग देखो दोस्तों। अबे नल्ले एड़े, हट जा साइड, हट, टेस्टी करेक्टर्स को आने दे। ओके, हमारे सामने स्पाइडर स्किबड़ी और चोरी स्किबड़ी आ चुका है। एक बड़ा सा धमाका हुआ। नाइस, इनके लिए एक लाइक तो बनता है। पे कौन है यार तू? ऑल राइट, चल नल्ले उठ जा। हाँ, बहुत हो गया तेरा स्वैग। ओके, अब हाँ ये एड़ा आता है दोस्तों, ये भी एकदम स्वैग में रहता है। ओके, प्लंजर की एंट्री हो चुकी है। प्लंजर मैन, बहुत नाइस एंट्री। हाँ, अच्छी एंट्री थी। ओके, वो मर चुका है, वेरी नाइस एंट्री। ओके, और दोस्तों एक सेकेंड, इसका ये पीछे टॉयलेट वाला सीट बहुत मस्त है। हाँ, इसके अंदर हम लोग इसका मुंह डुबो डुबो के मार सकते हैं। ओके, ये लोग उसके लिए ताली बचा रहे हैं। नाइस, और मैं थोड़ा थोड़ा जल रहा हूँ। ये नाइस हैंडशेक। और दोस्तों यहाँ पे बुढ़ा आ चुका है, जो कि सबके बीच में बहुत बोलेगा। हम लोग बुढ़े का शकल अच्छे से नहीं देखे। रुको दोस्तों, उतने अंधेरे में मेरे को उसका शकल नहीं दिखा। हाँ, मैं वापस से देखता हूँ। ओके, वो बुढ़ा मेरे को अच्छे से दिख नहीं रहा है, काफी अंधेरा है और मेरा फ्यूचर भी उसी अंधेरे में है। ओके, उसने सबको गले लगा लिया। प्लंजर कैमरामैन वहां से चल जाता है। यो, सब लोग अब जो है सीक्रेट बेस यानी हेडक्वार्टर के अंदर जा रहे हैं। ये रहा कंटेनर, हम लोग भी अंदर बैठते हैं। और ये तो नल्ला मर जाता है। और देखो जरा इस नल्ले की हंसी देखो। ये रैप्टा में मारूंगा तेरे को, तेरी सारी दांत नीचे गिर जाएगी। यो ये सोच रहा है कि ये चश्मा लगा के कूल लग रहा है। ओके, तो हम लोगों ने कंटेनर बंद कर दिया और अब हम लोग सीक्रेट बेस के अंदर आ चुके हैं। ये बेस बेसिकली टीवी मैन का बेस है शायद से। ओके यार, कुछ भी कहो, टीवी वोमैन ब्यूटीफुल तो है। ऑलराइट, ये रहा दोस्तों साइंटिस्ट टीवी मैन, ब्लू लेजर निकाल रहा है। वेरी नाइस ब्रो, वेरी नाइस। ओके, और यहाँ पे शायद से ये टाइटन टीवी मैन की एंट्री तो नहीं है, पता नहीं दोस्तों, वो तो हमें एपिसोड 67 के पार्ट 3 में पता चलेगा। ऑल राइट दोस्तों, एपिसोड 67 का पार्ट 1 स्टार्ट हो चुका है। वाओ वाओ, क्यों मेरा मतलब बहुत बुरा हुआ दोस्तों, यहाँ पे कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन है, काफी सारे लोग मारे हैं, बहुत बुरा हुआ। पर ज्यादा बुरा बात नहीं है, क्योंकि कोई भी फीमेल करेक्टर नहीं मरी है। अरे शर्म करो। ओके, स्किबड़ी हमारी ऊपर फाइट कर रहे हैं, पर हमने उन्हें मार दिया। नाइस, यो पुलिस स्किबड़ी भी है यहाँ पे। ऑल राइट, वो नल्ला बच गया, वापस से देखते हैं दोस्तों। ये देखो, इसने कैसे हमारे निशाने को डॉज कर दिया। ये ले। या।
ओके ओके, तो हम लोग टैंक से नीचे उतर चुके हैं। वाओ वाओ, वेरी नाइस सराउंडिंग। याले नल्ले, तू भी मर। वो बेसिकली लाइक करने को कह रहा है दोस्तों, फटाफट से आप लोग लाइक करो। ओके, ये एसिड से मर चुका है। ये इनका नया अटैक है दोस्तों, एसिड अटैक। बहुत मनहूस लग रहे हो तुम, बहुत मनहूस। ऑल राइट, ओके, हम नहीं मार पाए। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, तुमने देखा स्पीकर मैन इस नल्ले को कितने मस्त तरीके से मार रहा है। ओके, ये रहा बॉस कैमरामैन। हाँ, पर इसका हाथ टूटा हुआ है, वो थोड़ा सा अपाहिज है, और उसने अपना हाथ वापस ले लिया। ओहो, ये चिमकांडी हमें मारेगा। देखा दोस्तों, हमने उसे कितने आसानी से मार दिया। हट नल्ले। गजब बेचती है। ऑल राइट, ये 67 एपिसोड बहुत मस्त है। मैं पार्ट 3 के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ, अगर आप लोग इस वीडियो पर लाइक करोगे तो पार्ट 3 बहुत जल्द आ जाएगा, तो फटाफट से लाइक करो। क्या मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ। ओके, तो बुढ़ा सामने आ चुका है। बुढ़े चल दांत दिखा। बुढ़ा दांत कैसे दिखाएगा, उसके पास दांत रहेगा तब ना वो दांत दिखाएगा। ओके, कैमरामैन कह रहा है मैं तो तेरी चटनी बना दूंगा रे। नाइस, एपिसोड 2 देखते हैं, मेरा मतलब पार्ट 2 देखते हैं। यो हो दोस्तों, क्या बात है, अब हम लोग फाइनली 67 के पार्ट 2 पे आ चुके हैं। ओके ओके, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये वाले एपिसोड को माइनक्राफ्ट के फॉर्म में देखने के लिए। ये तो स्पीकर मैन ने एक शानदार जंप लगाया। मैंने इस एपिसोड को बहुत बार देख लिया है, पर तब भी मैं बोर नहीं हो रहा हूँ। मुंदरी बनाई फिरे। ऑल राइट, तो बुढ़े ने एक शानदार सा वाइब्रेशन किया है। वाओ स्पीकर मैन, वाओ। पर एक सेकेंड, हम लोग स्टार्टिंग में यहाँ पे आते हैं। मेरे को एक सीक्रेट डिटेल दिखा है, स्पीकर मैन यहाँ से उड़ता है और वो पूरा पीछे चक्कर लगाता है। ओके ओके, हम लोग यहाँ से वापस देखते हैं। ऑल राइट, तो बुढ़ा फुल फॉर्म में है, उसने एसिड अटैक यूज किया और स्पीकर मैन को थोड़ा सा चोट लगा। ओके, हमने उसका एसिड अटैक तोड़ दिया, पर बाप रे, उसका लेजर बहुत खतरनाक है। और ये देखो दोस्तों, इस बुढ़े के कान पे किसने विमल थूक दिया है। ऑल राइट, तो ये फाइट और भी ज्यादा ऑसम होते जा रही है। प्लंजर यहाँ पे आ चुका है, बहुत सही प्लंजर। यार काश तुम 2 मिनट और टिक पाते, ये अभी तो आया था और तुरंत निपट जाएगा। ऑल राइट, प्लंजर मर चुका है दोस्तों। ओहो हो हो हो, भाई तेरे को किसने बुलाया था, तू ये फ्री की शादी में क्यों आ गया भाई, इसको किसने बुलाया था, चल जा वापस, जा वापस जा लल्ले। ऑल राइट ऑल राइट, बॉस स्किबड़ी भी यहाँ पे आ चुका है। और सेट यार, ये वाला बहुत सैड होता है, बॉस कैमरामैन मोस्ट प्रोबेबली मर जाता है इस एपिसोड में, वो अपने को ही मार देता है। ये वाला दोस्तों मेरे को सो सैड लगता है। आपको क्या लगता है, बॉस कैमरामैन मरा होगा या फिर किसी चमत्कार से वो जिंदा बच जाता है? नीचे कमेंट में अपनी थ्योरी जरूर से बताना।